शेयर मार्केट में आपने कभी ना कभी सेंसेक्स का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आप सुनते हैं कि आज सेंसेक्स इतना अंक ऊपर चल गया या फिर आज सेंसेक्स इतना अंक नीचे गिर गया या फिर लाइव मार्केट में आज सेंसेक्स कितने अंक बढ़ा या गिरा, लेकिन यह सब सुनकर एक इन्वेस्टर को कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर सेंसेक्स का मतलब क्या होता है। अगर आप भी शेयर मार्केट में एक नए इन्वेस्टर हैं और जानना चाहते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है, शेयर बाज़ार में सेंसेक्स कैसे ऊपर नीचे होता है और निफ्टी से कैसे अलग है, तो आज की वीडियो में सेंसेक्स से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो है गाइस, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। तो गाइस, आपको मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते मैं आपको बताता हूँ सेंसेक्स के बारे में। तो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ सेंसेक्स का अर्थ क्या होता है। तो सेंसेक्स का अर्थ है शेयर मार्केट इंडेक्स। सेंसेक्स सब सेंसिटिविटी और इंडेक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनियों को रखा गया है। अब बात करते हैं सेंसेक्स क्या होता है, व्हाट इज सेंसेक्स। तो शेयर बाजार का एक ऐसा बेंचमार्क इंडेक्स है जो पूरे शेयर मार्केट का हालचाल बताता है। आप सेंसेक्स को देखकर बता सकते हैं कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे, मतलब शेयर बाजार बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, मतलब डाउन है। शेयर बाजार आजकल कैसा चल रहा है इसे दर्शाने का काम सेंसेक्स करता है। इंडियन शेयर मार्केट में केवल दो ही इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी शेयर बाजार का हालचाल बताता है। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE का इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनियों को शामिल किया गया है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE का इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियाँ आती है। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई थी। सेंसेक्स की शुरुआत 1 अप्रैल 1979 मतलब 1979 को हुई थी। उस समय इसकी बेस वैल्यू 100 रखी गई थी। बढ़ते बढ़ते आज सेंसेक्स की वैल्यू मतलब कि 66,000 से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स की शुरुआत की हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल शेयर को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन पुराने समय में किसी कंपनी का शेयर खरीदने में काफ़ी परेशानी आती थी। ऐसा इसलिए था कि उस समय कोई भी ऑनलाइन सिस्टम मौजूद नहीं था जिसके जरिए हम शेयर की ट्रेडिंग कर सके। तब तक केवल पेड़ के नीचे बैठकर शेयर की नीलामी की जाती थी। इस समस्या का समाधान के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना हुई, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आज तो आप मुंबई के स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इतनी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे वहाँ पर ज़्यादा लोग आने लगे तो पूरे मार्केट का भाव जानने के लिए सेंसेक्स बनाया गया जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनियों को शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स कैसे काम करता है। शेयर बाज़ार में सेंसेक्स भारत की टॉप 30 कंपनियों का प्रदर्शन बताते का काम करता है। आप सिर्फ इन 30 कंपनियों को देखकर बता सकते हैं कि आज शेयर बाज़ार ऊपर है या नीचे, मतलब अगर आज इंडिया की टॉप 30 कंपनियों में से अधिकतर कंपनियों के शेयर बढ़ते हुए हैं तो सेंसेक्स इंडेक्स भी ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर यह कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो सेंसेक्स भी नीचे गिर जाएगा। तो आई होप आपको सेंसेक्स की जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी आपको समझ में आया होगा। और गाइस, और मैं आके इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो बस आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहना है। तो अब बात करते हैं कि सेंसेक्स कैसे बढ़ता है और घटता है। आप जानते होंगे कि रोज़ शेयर बाज़ार में सेंसेक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब वो कौन सा कारण है जो सेंसेक्स को ऊपर नीचे करता है। तो अब बात करते हैं सेंसेक्स कैसे बढ़ता है। शेयर मार्केट में सेलर्स की तुलना में बायर ज़्यादा होते हैं, तब इन्वेस्टर शेयर बाज़ार को लेकर पॉजिटिव होते हैं, तब कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तब देश की इकॉनमी बढ़ती चली रहती है, तब वैश्विक बाज़ारों में कोई अच्छी न्यूज़ आती रहती है, तब और जब देश का बजट अच्छा रहता है तब सेंसेक्स बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स कैसे घटता है। शेयर मार्केट में बायर्स की तुलना में सेलर ज़्यादा होते हैं, तब इन्वेस्टर शेयर बाज़ार को लेकर निगेटिव थिंक रखते हैं, तब कंपनियों बेकार परफॉर्म कर रही होती है, तब देश की इकॉनमी डाउन चल रही होती है, तब ग्लोबल मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज़ आती रहती है, तब और जब देश का बजट आम जनता को पसंद नहीं आता है, तब शेयर मार्केट का जो भी सेंसेक्स है वो घटता रहता है। करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में क्या अंतर है। जी हाँ गाइस, सेंसेक्स और निफ्टी आपको दोनों सेम ही लगता होगा, बट ऐसे बात नहीं है, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या है और
वो निफ्टी से कैसे डिफरेंट है, तो चलिए बताते हैं। तो सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनियों को रखा गया है, जैसे कि मैंने बताया था, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनियों को रखा गया है। सेंसेक्स NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जबकि निफ्टी BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है, जबकि निफ्टी का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स है, क्योंकि यह मार्केट की सेंटिमेंट को दर्शाता रहता है। इस बात करते हैं कि सेंसेक्स के अंदर वो कौन 30 कंपनियां शामिल है। ठीक, अभी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार तो पहले नंबर पे अपने मोटा भाई का रिलायंस कंपनी है, सेकंड पे TCS हो गया, और HDFC बैंक, इंफोसिस, HUL, ICICI बैंक, HDFC, SBI, ITC, भारतीय एयरटेल, LIC, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, HCL टेक, लार्सन, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट, सोन फार्मा, एवेन्यू सुपरमार्केट, विप्रो, टाइटन, बजाज फाइनेंस शॉप, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, ONGC, अडानी, अडानी टोटल गैस, JSW स्टील एंड MNM। मतलब कि गैस ये जो 30 कंपनियां हैं वो अपनी सेंसेक्स के अंदर ही शामिल है, और गैस इन्हीं तीनों कंपनियों की अगर मार्केट में ज़्यादा अगर ये गेन करता है कंपनी में, तो सेंसेक्स उछाल करता है, मतलब कि इसमें गेन होगा तो सेंसेक्स आगे बढ़ेगा, अगर इनमें जो भी शेयर इनके घटेंगे तो सेंसेक्स भी नीचे घटता रहता है, और अगर ये जो है सेंसेक्स वो घटता बढ़ता रहता है, इससे आपको इसमें कोई लेन देन नहीं रखना। अगर आप चाहते हैं अगर पैसे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, आपको इसमें ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो गाइस मैंने उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दिया कि कैसे बॉम्बे पे BSE में इन्वेस्ट करना है या NSE पे इन्वेस्ट करना है, वो टोटल मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो आप जाके वो भी ट्रेडिंग का जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे बना दिया है, और भी मैं आगे वीडियो लाते रहता हूँ। ठीक, तो गाइस ये रही कुछ सेंसेक्स से जुड़ी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और गाइस मैं ये बोलूँगा कि आपको ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी लोग जाने। आने वाले समय में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड ये जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसको जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताएं, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।